अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सैन स्पोर्ट। दोस्तों ये पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा होता है कि कभी हम चार चार फास्ट बॉलर खिला देते हैं, कभी हम चार चार स्पिनर खिला देते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ मैदान में भी नहीं उतरते। तो दोस्तों ये आप देखेंगे इंग्लैंड खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए, जहाँ पर पाकिस्तान की टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है। और जो मज़े की बात दोस्तों वो ये है कि पाकिस्तान टीम में कोई भी प्रॉपर फास्ट बॉलर नहीं, यानी कि आपको पता है कि नसीम जो शहन शाह पहले स्क्वाड से रिलीज़ कर दी गई और पाकिस्तान में जो है स्क्वाड का ऐलान हुआ है। और स्क्वाड जो पाकिस्तान की इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान हुआ है उसमें दोस्तों तीन स्पिनर आ चुके हैं, जबकि एक भी फास्ट बॉलर नहीं है, यानी कि एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल। दोस्तों आपको पता है कि पाकिस्तान इस बार बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के बगैर खेलेगी। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद पाकिस्तान अब जो तीन स्पिन बॉलर के साथ जा रहे, शायद हो सकता है कि पाकिस्तान टीम कोई मुआवजा करे और पाकिस्तान टीम अच्छा बाउंस बैक करे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार पाकिस्तान ये मुकाबला जीत जाएगा। ये पता नहीं मुझे ऐसा क्यों इस बार लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि पाकिस्तान इस बार कुछ ना कुछ नया करने जा रहे। दोस्तों अगर बाद में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 तो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है उसमें अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पर बैटिंग करने आएंगे शमसु जो कि कैप्टन, नंबर 4 पर नाम आता है कामरान गुलाम का, जिसको बाबर आजम की जगह पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया, जो कि सबसे बड़ी तब्दीली है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान टीम में साउथ शकील जो कि वाइस कैप्टन, इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, आगर सलमान, ये तो हो गए पाकिस्तान के टॉप 7 बैटर्स। के लिए दोस्तों पाकिस्तान के जो 4 बॉलर हैं उसमें आमिर जमाल वो वाहिद फास्ट बॉलर हैं, जो कि आपको पता है कि फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हैं, और यही वो हैं जो कि पाकिस्तान की यानी कि पेस बॉलिंग का आगाज़ करेंगे। दोस्तों पाकिस्तान की टीम में नुमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद ये 3 स्पिनर हैं जो कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। इस लिहाज से बड़ी हैरान कन बात यह है कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में किसी प्रॉपर फास्ट बॉलर के अलावा मैदान में उतरेगा। लेकिन दोस्तों फिर क्या आपके ख्याल में इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान क्या खेल पेश करेगा, क्या पाकिस्तान ये मुकाबला जीत पाएगा या फिर जब भी पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये आज की बड़ी खबर, मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए हुसैन स्पोर्ट्स।